हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं हम बात करेंगे आई से रिलेटेड आज इसके यहां पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए तो रिजल्ट देखेंगे सब चीज जानेंगे कि क्या यहां पर एक्जैक्टली exactly हुआ है और क्या यहां पर चार्ट पैटर्न बता रहा है कि कहाँ पर से ब्रेकआउट होगा कहाँ से ब्रेक डाउन होगा शेयर यहाँ पर आपको कब खरीदना है उससे रिलेटेड तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो यहाँ पर मिलती रहे एज वेल एज बात करें यहाँ पर तो एक वीडियो आ चुकी है जहां पर मैंने आज शेयर लिया चेन्नई पेट्रो बिजनेस मॉडल समझाया और मैंने आपको बताया है कि क्यों ये शेयर यहाँ पर पांच गुना तुरंत होता हुआ नजर आएगा तो जाके देख लीजिए अच्छा खासा नॉलेज भी मिलेगी कैसे शेयर चूज करते हैं वो पता चलेगी प्लस में शेयर की जानकारी आपको है ही तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा आप चाहे तो हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे एज वेल एज यहाँ पर

थोड़ा सा यहाँ पर अनजस्टिफाई हो जाएगा तो यहाँ पर कंपेयर बिल्कुल मत करिएगा सबसे लास्ट बार। बार, क्वार्टर तो सब के हमारे लास्ट ईयर के तो सेम क्वार्टर के रिजल्ट है तो यहाँ पर रिवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पर एटी फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी नाइन टू फिफ्टी नाइन लैक्स इन रूपीज तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग आठ सौ बावन करोड़ रुपीस का आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू हुआ है इससे पहले 690 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ था इससे पहले 24 अगर बात करें 243 करोड़ के रुपीस के आसपास का रेवेन्यू हुआ था तो अगर हम बात करें इयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे आईआरसीटीसी uh, का रिजल्ट रेवेन्यू वाइज अच्छा खासा आया है टोटल रेवेन्यू 87 uh, 877 करोड़ के आसपास है इससे पहले 71 था uh, 716 uh, करोड़ था इससे पहले टू करोड़ के आसपास था तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है साथ साथ बात करें तो कंपनी का एक्सपेंसिस यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग एक्सपेंसिव कॉस्ट मटेरियल यहाँ पर स्टॉक्स किस तरीके एम्प्लॉय से रिलेटेड सब चीज आपको दिख जाएगा तो टोटल uh, एक्सपेंसिस भी हो, ज्यादा होते हुए नजर आए जो कि क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पर ज्यादा है जो कि इस बार का लगभग पांच सौ सैंतालीस करोड़ है कंपनी तो okay, तो कि ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया तो यहाँ पर टैक्स पर घटा दिया तो, तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको यहाँ पर पता चलता हुआ नजर आएगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप यहाँ देखेंगे तो 245 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इससे पहले 213 करोड़ का था क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा है और एक साल पहले तो यहाँ पर कोविड था ट्रेनें बंद थी तो यहाँ पर बयासी करोड़ का प्रॉफिट था तो आप देखेंगे तो लगभग अच्छा खासा थ्री टाइम्स यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आया बट ये कोविड की वजह से इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा

ओके एज वेल एज रेल नीर की बात करें तो रेल आ, पानी आनी भी बनता तो आ, उसके बाद तिरासी करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर इनके पास आ, रेल नीर मतलब जो पानी बेचते हैं वो यहाँ से पैसा आता है वो दिखाई दिया है इंटरनेट टिकटिंग क्योंकि अब और लोग इधर से उधर जा रहे हैं तो यहाँ पर टिकट भी ज्यादा बिकी है तो तीन सौ एक 301 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पर आया है टूरिज्म की बात करें तो इक्यासी करोड़ और स्टेट तीर्थ की बात करें तो तैतीस करोड़ के आसपास का यहाँ पर इनका रेवेन्यू आता हुआ दिखाई दिया जो कि हर पैमाने पर कंपनी हर तरीके से अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है उसी तरीके से एक्सपेंसिस भी इनके आते हुए दिखाई दिए तो ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट काफी बेहतरीन है मार्जिन की बात करें तो कंपनी के मार्जिन भी अच्छे खासे आएंगे ही ओके जून के क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है आपको नजरें बना के रखनी है कंपनी का परफॉर्मेंस का परफॉर्मेंस लगातार बेहतरीन होता हुआ नजर आएगा, आएगा क्यों होता हुआ नजर आएगा क्योंकि फुल फ्लैश टाइप से यहाँ पर अब ट्रेन चल रही है किसी तरीके की कोई इशू आ नहीं रहा है कंपनी हाइस्ट एवर गेन ने यहाँ पर नंबर पोस्ट करना शुरू कर दिया है इस बार के भी नंबर एकदम बेहतरीन आए हैं तो कंपनी के अच्छा खासा यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी इन बेसिस पे ही बात करें कंपनी के नंबर अच्छे खासे हैं और यहां पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहां लगभग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बट एक चीज याद रखिए अभी एक जब यहां पर ये यह शेयर चल रहा था तो ये शेयर एक ही दिन में यहां पर आप देखेंगे एक ही दिन में ये शेयर लगभग लगभग कितना परसेंट गिरता हुआ नजर आया एक बार देख लेते हैं तो शेयर एक ही दिन में लगभग 20 से 21% गिरता हुआ नजर आया और और लगातार देखे तो तीन चार दिन में ही सैंतीस से चालीस परसेंट गिरता हुआ नजर आया क्यों गिरता हुआ नजर आया आपको पता ही है आपने अगर न्यूज पे ध्यान दिया होगा क्यों क्योंकि ये जो आईआरसीटीसी है इसे कौन यहाँ पर ऑपरेट करता है या कौन यहाँ पर देखभाल करता है तो ये किसके अंडर आती है ये आती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब क्या मतलब ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आती है और गवर्नमेंट जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है उसे कभी भी चाहे तो मैनुपलेट कर सकती है क्योंकि जो भी ये चीजें होती है जो आई हो गया एज वेल एज हाल हो गया या जो भी यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो स्टॉक्स आते हैं जो गवर्नमेंट स्टॉक्स है वो, वो जो स्टॉक्स होते हैं वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए होते हैं याद रखिए दे आर नॉट फॉर द मेकिंग मनी ओके दे आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल तो जो हमारे इंडिया के लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए यहाँ पर चलाए जाते हैं उन्हीं के लिए काम किया जाता है पैसे कमा रहे हैं अच्छी बात है मोदी साहब ने कहा भी था वी आर नॉट वी आर नॉट द गवर्नमेंट

Uh, और इस तरीके का अगर डिसीजन आया तो ऑब्वियसली बात है घाटा होता हुआ नजर आएगा किसे लोगों को ही होता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर देखिए एफ आई लगातार हिस्सेदारी घटा रहे आठ से इन्होंने पांच कर दी डीआईएस की बात करे डीआईएस लगातार हिस्सेदारी घटा रहे यहाँ पर ग्यारह परसेंट से यहाँ पर पांच परसेंट कर दी और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की हिस्सेदारी भी यहाँ पर देखिए बढ़ती हुई नजर आ रही है तो पब्लिक की हिस्सेदारी वहां बढ़ती हुई नजर आती है यहाँ पर एफ आई बेच देते हैं इस चीज को आपको समझना और ऐसा कोई भी यहाँ पर बड़ा प्लेयर भी नहीं है और क्यों क्योंकि उन्हें क्यों समझ में आ गया कि गवर्नमेंट कभी अभी बेशक से उन्होंने उस दिन हटा दिया था बट अगले दिन अभी आने वाले टाइम में जब भी कुछ होगा तो गवर्नमेंट दोबारा कहेगी भाई हम यहाँ पर से प्रॉफिट शेयर करेंगे जो भी प्रॉफिट यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा वो प्रॉफिट हम भी लेते हुए नजर आएंगे और जब कम यहाँ पर प्रॉफिट लेते हुए नजर आएगी आएगी यहाँ पर गवर्नमेंट तो अब ऐसी बात है कुछ ना कुछ यहाँ पर फिर नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा तो इसलिए आईआरसीटीसी जिस तरीके से पहले पॉपुलर था इससे पहले कि लोग यहाँ पर इसके लिए की यहाँ पर शेयर मिल जाए शेयर मिल जाए चल आ रहे थे वो अभी उस तरीके का क्रेज है नहीं अब मार्केट कैप की बात करें फिफ्टी थ्री थाउजेंड करोड़ का लार्ज कैप कंपनी है अस्सी का पी है इंडस्ट्री का पी अस्सी के आसपास है तो पी एकदम फ्लैट है ओके ना ज्यादा है ना कम है आर ओ सी की बात करें फिफ्टी वन आर ओई की बात करें थर्टी नाइन तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है as well as है एज एज वेल कोई किसी तरीके का डेट नहीं लगभग आधे पे ये शेयर पर चलता हुआ नजर आ इंटरसिक वैल्यू एक सौ इक्यासी के आसपास की है और कंपनी का पांच साल का प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है और ग्रोथ तो पांच साल की आप देख ही सकते हैं पीजी रेशो थोड़ा सा महंगा यहाँ पर नजर आता है और शेयर यहाँ पर मल्टी बैगर है ऑलरेडी हमें पता ही है बट इस तरीके के जो रिजल्ट है ना बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी में आपको मिलेंगे कि यहाँ पर कंपनी का लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है बट इस ऐसे शेयर को चुनी नहीं रहा क्यों क्योंकि उन्हें पता है गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी कर सकती है शेयर ऑलरेडी अगर हम यहाँ पर बात करें 56% तक डाउन हो गया था अभी की बात करें तो शेयर अभी भी यहाँ पर लगभग लगभग फिफ्टी डाउन है ओके और अभी भी लोग इसे टच नहीं कर रहे शेयर को रिजल्ट आया है रिजल्ट एकदम बेहतरीन आया है और देखिए वॉल्यूम धीरे धीरे उठना भी शुरू हुए तो ए, इसे शेयर को अब जब आपको बाइंग करना है तो याद रखिए आंख बंद करके नहीं करना हमेशा आंख खोल के करना है और एक लेवल में आपको बता रहा हूं कि ये राउंडिंग टॉप बना रहा है सबसे पहले तो यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप बन रहा है दूसरी बात यहाँ पर इसका ये है रेजिस्टेंस सात का हो सकता है यहाँ पर कल भागे कल भाग के सात पर कल ही कल में पहुंच जाए और टच करके नीचे आ जाए ओके okay, और यहाँ पर छे पे आ जाए या फिर बीच में गवर्नमेंट की न्यूज भी आ सकती है उस टाइम आप कुछ नेगेटिव भी आ सकता है तो ये भी आपको देख, देखना पड़ेगा और इस लेवल को निकाला तो याद रखिए फिर शेयर भागता हुआ नजर आएगा जो कि चार सात सौ पैसठ एज वेल एज छः आठ सौ अड़सठ के आसपास आठ सौ पैंतालीस के आसपास जाता हुआ नजर आएगा तो शेयर अगर बेहतरीन हुआ और किसी तरीके की शेयर तो बेहतरीन है बट किसी तरीके की अगर प्रॉब्लम नहीं हुई किसी तरीके का ऐसा गवर्नमेंट का कुछ आया नहीं तो ऑब्वियस ही बात है शेयर दोबारा यहाँ पहुंचेगा

ये सारी की सारी बातें थी जो मुझे लगता है कि आप लोगों को अवेयर होना चाहिए कि आंख बंद करके आई आर सी टी सी आई आर सी टी सी तो आई आर सी टी सी ले लिया ओके तो साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट शेयर हिस्सेदारी बेच सकती है बीच में ओ, आया तो शेयर और नीचे आएगा एफ आई खरीदने लग जाए तो आप भी खरीद लग खरीदने लग जाना डी आई खरीदने लग जाए तो आप भी खरीदने लग जाना क्योंकि कहीं कही ना कहीं फिर ऑब्वियसली बात है शेयर भागा था तो ऑपरेटर इन्होंने ही भगाया था और जब शेयर गिरा था तो इन्हीं ने हिस्सेदारी बेची थी आप ये देख सकते हैं बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद तो की स्टडी करना है वीडियो अच्छी लगे लाइक लाग करना है कमेंट करना है शेयर करना है चार्ट पे जरूर ध्यान दीजिएगा बिना चार्ट के मत करिएगा अदरवाइज फंस सकते हो ऊपर के लेवल पे और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेलाइकन को हिट ताकि इस तरह की वीडियो मिलती है सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस